नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिटरेचर सिंपली में, साहित्य एवं भाषा सीखने का आसान तरीका। मेरा नाम दत्ता सावंत है। ये चैनल अंग्रेजी साहित्य एवं भाषा के संबंध में वीडियोस तैयार करने हेतु बनाया है। ये आपको अंग्रेजी साहित्य एवं भाषा सीखने के आसान से आसान तरीके और तंत्र समझाने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे जरूरी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस देख सके और सीख सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं लिटरेचर के बारे में। तो यहाँ पर हम सीधे ही सवाल से शुरुआत करते हैं, व्हाट इज लिटरेचर और लिटरेचर किसे कहते हैं। यहाँ पर इस शब्द के साथ अनेक प्रकार के एसोसिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। द वर्ड लिटरेचर इज यूज्ड टू शो डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि मैनुअल, स्पोर्ट्स किट, इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा। तो इसका मतलब ये है कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो दूसरी चीजें है इन्हें भी लिटरेचर कहा जाता है। या उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जब हम कोई नया मोबाइल फोन खरीद लेते हैं उसके साथ में जो हमें चीजें मिलती है, मैनुअल्स वगैरह, तो उन्हें भी लिटरेचर कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं लिटरेचर के बारे में, क्या हमें इसमें एक्सपेक्ट है? तो बिल्कुल ही नहीं। अगर हम इस शब्द का अर्थ डिक्शनरीज में देखते हैं कि लिटरेचर कहाँ किसे कहते हैं, तो इसके अनेक प्रकार के अर्थ आपको डिक्शनरीज में देखने को मिलेंगे और इन सभी अर्थों की तुलना भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। और हम में से ज्यादातर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, वेबस्टर, कोलिंस इसी प्रकार की जो डिक्शनरीज है उसे इस्तेमाल करते हैं। तो इन डिक्शनरीज में शब्द लिटरेचर इसके बारे में अलग अलग तरह से यहाँ तक बताया गया है और इन सभी चीजों को इकट्ठा करके हम यहाँ पर किसे लिटरेचर करते हैं ये भी जान सकते हैं और इनकी तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है, डू द रामायण, द महाभारत, पैराडाइज लॉस्ट, हैमलेट, रॉबिन्सन क्रूसो, एंशियंट मारिनर और $1000 कॉम्प्राइज ऑफ लिटरेचर। तो इस प्रश्न का सीधा ही जवाब है कि हाँ, इसे ही लिटरेचर कहते हैं और यहाँ पर हम जिस चीज की बात कर रहे हैं यही लिटरेचर है, इन्हीं ग्रंथों को हम यहाँ पर लिटरेचर कहते हैं। तो हम लिटरेचर की परिभाषा कर सकते हैं क्या? हाँ, हम लिटरेचर की परिभाषा कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सी लिटरेचर की परिभाषा दी है। तो देखिए, लिटरेचर इज नथिंग बट एनी ओरल और रिटन बॉडी ऑफ वर्क विच कंसिस्ट्स ऑफ पर्टिकुलर यूज ऑफ लैंग्वेज, गिव्स प्लेजर एंड रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन लाइफ इन इट। फॉर एग्जाम्पल, एपिक, पोएट्री, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, एसे, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी एक रिटन बॉडी जो है वर्क की, जिसमें खास तरह की भाषा का उपयोग किया गया हो और जो हमें आनंद देने का काम करती है और उसमें हमारा जो मानवीय जीवन है वो हमें विस्तृत रूप से दिखाई देता है, तो उसे लिटरेचर कहते हैं। यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि इपिक है, पोएट्री है, नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, एसे है और कई तरह के यहाँ पर साहित्य के जो प्रकार है हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए, इन सभी टेक्स्ट में, इन सभी ग्रंथों में ऐसी कौन सी खास बात है जो इन्हें लिटरेचर बना देती है? तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वालिटीज ऑफ लिटरेचर और इसे ही हम साहित्य की विशेषताएं भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहली जो विशेषता है, पर्टिकुलर यूज ऑफ लैंग्वेज, साहित्य में एक खास तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है, ये इसकी पहली यहाँ पर हम विशेषता बता सकते हैं। दूसरी विशेषता यहाँ पर है, जॉन कीट्स जो रोमांटिक पीरियड के अंग्रेजी में एक जाने माने जो कवि है, उनका एक स्टेटमेंट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। लिटरेचर के बारे में उनका कहना है कि लिटरेचर जो है हमें सुंदरता वो हमें देती है और ये हमें एक प्रकार का आनंद देता है और वो आनंद हमें काफी समय तक, यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो लिटरेचर एक थिंग ऑफ ब्यूटी है और इसे हमें आनंद मिलता है, ये दूसरी विशेषता हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो तीसरी विशेषता यहाँ पर है, फॉर ऑल द टाइम एंड बिकम्स एवर लास्टिंग। लिटरेचर को हम किसी समय में सीमित नहीं कर सकते, ये ऑल टाइम है, ये सभी समय के लिए है, यहाँ पर पास्ट में है, फ्यूचर में है और वर्तमान में भी है और ये एवर लास्टिंग है, कालातीत है, इसे हम कैद नहीं कर सकते समय में। तो चौथी यहाँ पर विशेषता है, अ सोर्स ऑफ नॉलेज, इट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लिटरेचर से हमें सिर्फ आनंद ही नहीं मिलता है तो उससे हमें ज्ञान भी मिलता है और ये जो ज्ञान है इसे हम एक समय में सीमित नहीं कर सकते, ये पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। तो ये चौथी विशेषता यहाँ पर हम कह सकते। पांचवी विशेषता है, कोई भी साहित्य आसमान में पैदा नहीं होता, हर साहित्य के पीछे उसका एक निर्माता होता है, ऑथर होता है, पोएट होता है, तो इट हैज इट्स क्रिएटर्स, तो इसके जो निर्माता है वो यहाँ पर पांचवी विशेषता है। छठवी विशेषता यहाँ पर है, डायरेक्ट्स एंड रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर ऐसे कहा जाता है कि मानवीय जीवन का प्रतिबिंब यानी साहित्य है, तो साहित्य में हमें मानवीय जीवन, हमारा जीवन देखने को मिलता है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे जीवन को एक दिशा देने का काम भी यहाँ पर करता है, ये इसकी एक खास विशेषता है। यहाँ पर सातवीं विशेषता है, एक्सप्रेसेस एन आइडियोलॉजी और थॉट ऑफ एन इंडिविजुअल और नेशन। लिटरेचर
लिटरेचर क्या करता है? तो लिटरेचर और साहित्य एक प्रकार की आइडियोलॉजी को उजागर करने का काम करता है, एक प्रकार की जो विचारधारा है उसे बताने का काम यहाँ पर करता है। तो ये विचारधारा एक इंडिविजुअल की व्यक्तिगत भी हो सकती है या किसी देश के भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें उदाहरण के तौर पर रामायण और महाभारत देखने को मिलेंगे, जो इसमें एक खास तरह की विचारधारा है और ये विचारधारा हमारे देश की है। तो यह सातवीं विशेषता यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद में आठवीं विशेषता यहाँ पर है, एन आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप, अ सोसाइटी और कम्युनिटी और ए नेशन। उसी तरह से जिस तरह से एक आइडियोलॉजी को उजागर करता है, उसी तरह से एक पहचान है। साहित्य क्या है? तो एक व्यक्ति की पहचान है, किसी ग्रुप की पहचान है, किसी समाज की पहचान है, यहाँ तक कि देश की भी यह पहचान हो सकता है। तो यहाँ पर फिर से हम रामायण और महाभारत का उदाहरण ले सकते हैं, ये हमारे देश की पहचान है। इसके बाद में नौवीं विशेषता यहाँ पर है, हर साहित्य के निर्माण के पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें लेखक या ऑथर या पोएट उजागर करना चाहता है, तो किसी कारणवश इसकी निर्मिति यहाँ पर होती है। उसके बाद में दसवीं जो विशेषता है इसकी, बेसिकली इज मिंट फॉर एंटरटेनमेंट और प्लेजर, ऑल्सो इम्पार्ट नॉलेज, प्रेफरेंस चेंजिंग ओवर द ईयर्स। ये बड़ी ही खास विशेषता यहाँ पर है। लिटरेचर का जो मूल उद्देश्य है वो है आपको आनंद देना, एंटरटेन करना, लेकिन ये हमें नॉलेज भी देने का काम करता है, ज्ञान भी देने का काम करता है। तो यहाँ पर ऐसे माना जाता है कि पहले आनंद है या पहले ज्ञान है, तो ये जो प्रेफरेंस है, ये जो ऑर्डर है, इसका जो सोपान है वो यानी सालों से बदलता आया है। कभी हमें ये नॉलेज महत्वपूर्ण लगता है तो कभी एंटरटेनमेंट महत्वपूर्ण लगता है, तो ये इसकी खास विशेषता है। उसके बाद में लिटरेचर किस चीज पे निर्माण किया जाता है या इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है? तो इसके सब्जेक्ट के लिए कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं है। धरती से लेकर आसमान तक इनमें जो कुछ भी आता है, सभी चीजों पर लिटरेचर लिखा जा सकता है, साहित्य की निर्मिति की जा सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नो लिमिट टू द सब्जेक्ट, ये 11वीं विशेषता यहाँ पर है। उसके बाद में मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो लिटरेचर का बहुत ही खास यहाँ पर जो महत्वपूर्ण काम है वो है आपकी भावनाओं को उजागर करना। ये बहुत ही इफेक्टिव तरह का एक मीडियम है जो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस है उसे उजागर करता है, दूसरों तक पहुंचाने का काम करता है। ये इसकी 12वीं विशेषता यहाँ पर है। उसके बाद में यहाँ पर 13वीं विशेषता है, सिग्निफिकेंट आर्ट एक्सप्रेसिंग ट्रूथ एंड ब्यूटी। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने कुछ लाइंस लिखी है, वो लाइंस का आधार लेके हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। और बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेस विथ अस आउट लाइफ स्टार, हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग एंड कॉमेथ फ्रॉम अफार, नॉट इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस एंड नॉट इन अटर नेकेडनेस, बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज आवर होप। तो यहाँ पर लिटरेचर एक प्राचीन काल से कला के रूप में जाना जाता है। ये सिर्फ कला ही नहीं, तो इस कला के माध्यम से हमें एक सत्य और सुंदरता बताने का भी लिटरेचर काम करता है। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ का ऐसा कहना है कि ये जो लाइन्स है ये हमें एक प्रकार का सत्य यहाँ पर उजागर करती है। और बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, तो हमारा जो जीवन है ये कुछ भी नहीं है, ये एक तरह की नींद है, और हमें इसमें अनेक प्रकार के जो अपहीवल्स है, यानी कि जो हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो आखिरी लाइन है, बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम, तो ये सब क्या है? तो लिटरेचर में मानवीय जीवन का एक चित्र यहाँ पर उभरता नजर आता है। फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम, तो हमारा आखिरी जो जाने की जो जगह है वो क्या है? तो वो है गॉड, हमारा जो आखिरी घर है वो है गॉड, ऐसा यहाँ पर वर्ड्सवर्थ का मानना है। उसके बाद में 14वीं विशेषता यहाँ पर है, एवरी लिटरेचर इज अ काइंड ऑफ रिविलेशन। तो हर तरह के लिटरेचर में या किसी भी लिटरेचर में एक तरह का रिविलेशन, एक तरह की बात आपको उजागर करने का काम ये करता है, तो ये इसकी एक विशेषता है। उसके बाद में मार्क बाय स्पेशल काइंड ऑफ टेस्ट्स, यूनिवर्सल इंटरेस्ट एंड पर्सनल स्टाइल। तो एक खास तरह की अभिरुचि लिटरेचर में होती है, जैसे कि यूनिवर्सल इंटरेस्ट है और पर्सनल स्टाइल है। इसका मतलब यह है कि अगर उदाहरण के तौर पर हम होमर का जो इलियड है उसे अगर देखते हैं, तो उसमें यूनिवर्सल एलिमेंट्स, जो विश्व रूपी जो एलिमेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी 15वीं विशेषता यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये सब विशेषताएं हमें लिटरेचर के बारे में बता देती है, और जो लिटरेचर की जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। उसके बाद में साहित्य के बारे में कुछ जो लिटररी स्कॉलर्स है उन्होंने खास तरह के वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, खास तरह के स्टेटमेंट्स यहाँ पर किए हुए हैं, तो उन्हें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ताकि जो साहित्य है उसके बारे में हम ज्यादा जान सके। तो यहाँ पर पहला जो वाक्य है या पहला जो अवतरण है वो यहाँ पर हम देखेंगे, वो किया है व्लादिमीर नोबोकोव, एक रशियन
सीरियल लेखक है, उसका कहना है लिटरेचर एंड बटरफ्लाईज आर द टू स्वीटेस्ट पैशंस नोन टू मैन। यहाँ पर साहित्य और जो तितलियां है उनकी तुलना की गई है और ऐसा कहा गया है कि इंसान को प्राचीन काल से ये जो दो चीजें हैं साहित्य और तितलियां, उनका खास तरह का आकर्षण यहाँ पर रहा है। यहाँ पर दूसरा वाक्य है ग्रेट लिटरेचर इज सिंपली चार्ज्ड विद मीनिंग टू द अटमोस्ट डिग्री। ये किया है इजरा पाउंड ने। तो इसका कहना यहाँ पर है कि जो दुनिया का महान लिटरेचर है उसमें आपको एक अर्थ समझाने का काम किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है लिटरेचर गिव्स अस ए पिक्चर ऑफ लाइफ, नॉट द पिक्चर दैट इज एक्चुअली हिस्टोरिकली ट्रू बट ए पिक्चर दैट हैज इट्स ओन काइंड ऑफ ट्रूथ। लियांग ब्रुक्स और उसके जो साथीदार है उन्होंने ये स्टेटमेंट किया है। उनका कहना है कि लिटरेचर या साहित्य आपको आपके जीवन का एक पिक्चर देने का काम करता है, एक पिक्चर आपके सामने रखता है। ये सिर्फ पिक्चर ही नहीं रखता, हिस्टोरिकली इसमें खाली इवेंट ही यहाँ पर नहीं होती बल्कि इसमें एक खास तरह का सत्य भी उजागर करने का काम ये साहित्य कर सकता है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर है राइटिंग इज नॉट लिटरेचर अनलेस इट गिव्स टू द रीडर ए प्लेजर विच अराइजेस नॉट ओनली फ्रॉम द थिंग्स सेड बट फ्रॉम द वे दे आर सेड एंड दैट प्लेजर इज ओनली गिवन व्हेन द वर्ड्स आर केयरफुली और क्यूरियसली और ब्यूटीफुली पुट टुगेदर इनटू सेंटेंसेस। ये स्टेटमेंट किया है स्टॉफर्ड ब्रुक ने। यहाँ पर दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक है लिटरेचर में आप क्या बताते हैं और वो बताने का तरीका क्या है। तो ये दो बातें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दो बातों से लेकर ही लिटरेचर यहाँ पर तैयार होता है। तो पांचवा स्टेटमेंट है लिटरेचर इज द ह्यूमन एक्टिविटी दैट टेक्स द फुलेस्ट एंड मोस्ट प्रेसाइज अकाउंट ऑफ वेरियसनेस पॉसिबिलिटी कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूनिटी। साहित्य क्या है, तो एक मानवीय कृति है या एक मानवीय एक्टिविटी है जिसमें आपको आपके जीवन में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है या यूनिटी है पॉसिबिलिटी वो सब देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट किया है लियोनेल ट्रिलिंग ने। उसके बाद में छठवां स्टेटमेंट है लिटरेचर इज द आर्ट ऑफ सेइंग समथिंग दैट विल बी रीड ट्वाइस। इसका मतलब है लिटरेचर को बार बार पढ़ा जाता है, लिटरेचर बार बार सुना जाता है या देखा जाता है। ये स्टेटमेंट किया है सिरिल कैलोनी ने। और यहाँ पर आखिरी जो स्टेटमेंट है वो है लिटरेचर इज द लैंग्वेज वेल यूज्ड, ये किया है लॉरेंस लर्नर ने। तो हमने यहाँ पर साहित्य की पहली ही विशेषता देखी है जिसमें हमने कहा है कि लिटरेचर इज द पर्टिकुलर यूज ऑफ लैंग्वेज, तो जिसमें भाषा का खास तरह का उपयोग होता है उसे हम लिटरेचर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सात स्टेटमेंट है ये उजागर करते हैं कि लिटरेचर में खास कौन सी बातें हैं। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने देने का प्रयास किया है। तो पहला उदाहरण है साहित्य का रामायण जो वाल्मीकि ने लिखा है, दूसरा है महाभारत व्यासा ने लिखा है, इलियड होमर ने लिखा है, कैंटरबरी टेल्स जॉफरी चौसर ने लिखी है, अब्सालेमन अकिटोफेल जॉन ड्राइडन ने लिखी है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन ने लिखी है, ए फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल एडवर्न बर्क ने लिखा है, हैमलेट शेक्सपियर ने लिखा है, फिर से एज यू लाइक इट शेक्सपियर ने लिखा है, और आखिरी जो एग्जाम्पल है वो है डचेस ऑफ माल्फी जॉन वेबस्टर ने लिखा है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो साहित्य के उदाहरण है इनको हम विधाओं में बांट सकते हैं क्या, जिन्हें इंग्लिश में जॉनर्स कहा जाता है, इसे हम बांटेंगे। जो पहले तीन है इसे हम इपिक्स या इपिक पोएट्री कहते हैं, उसके बाद में जो तीन है कैंटरबरी टेल्स एब्सालम एंड अकिटोफेल ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये सिंपली पोएम्स है, उसके बाद में जो है फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन वो एक एसे है, और आखिरी के जो तीन यहाँ पर ग्रंथ है उन्हें हम प्लेज कहते हैं या ड्रामास कहते हैं, हैमलेट एज यू लाइक इट एंड द डचेस ऑफ माल्फी। उसके बाद में कुछ और उदाहरण हमारे पास है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसका नाम एसे है लेकिन ये एक कपलेट में लिखी हुई पोयम है अलेक्जेंडर पोप ने। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है लाइफ ऑफ जॉनसन, ये एक चरित्र है जिसे हम बायोग्राफी कहते हैं, बॉसवेल ने लिखी है, मॉल फ्लैंडर्स डेनियल डेफो ने लिखी है, एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है, द अल्केमिस्ट पाउलो कोयलो ने लिखी है। ये तीनों जो उदाहरण है ये है नॉवेल्स जिन्हें हम उपन्यास कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास है द रिफ्यूजी, पर्ल बक, द एक्स, आर के नारायण और $1,000 ओ हेनरी ने लिखी है। ये जो तीनों टेक्स्ट है इन्हें हम कथाएं कहते हैं या लघु कथा कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो आखिरी के दो उदाहरण है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने लिखा है और माई स्टोरी कमला दास ने लिखी है, ये दोनों आत्मचरित्र के यहाँ पर उदाहरण है, इन्हें हम ऑटोबायोग्राफीज कहते हैं। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ बुक्स मैंने जो बिगिनर्स है उनके लिए रिकमेंड किया है। तो यहाँ पर पहली जो किताब है वो है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर, ये लिखी है विलियम हेनरी हडसन ने, बहुत ही अच्छी किताब है। दूसरी किताब है अ बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बी प्रसाद ने लिखी है। तीसरी किताब है यहाँ पर एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, डब्ल्यू एच हडसन ने लिखी है। चौथी किताब है इंग्लिश लिटरेचर, विलियम जे लॉन्ग ने लिखी है। और आखिरी जो किताब है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एडवर्ड अल्बर्ट ने लिखी है। यहाँ पर ये पांचों किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बिगिनर्स है उनके लिए बहुत ही अच्छी
अच्छी है, वो इन्हें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो लिखित रूप में चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट literaturesimply.com पे जाइए।